नमस्कार। चलिए दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत अगला हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, जैव निम्नीकृत होने वाले और जैव निम्नीकृत न होने वाले अपमार्जक क्या होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो आइए इस छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न को जाने। जैव निम्नीकृत होने वाले अर्थात बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट और जैव निम्नीकृत न होने वाले अपमार्जक अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट क्या होते हैं, आइए इस छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न को जाने। तो पहला बिंदु हमारा जैव निम्नीकृत होने वाले अपमार्जक, पहला बिंदु जैव निम्नीकृत अपमार्जक। जैव निम्नीकृत अर्थात बायोडिग्रेडेबल, यहां पर हम लिख सकते हैं डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट अर्थात ऐसे अपमार्जक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलता से अपघटन हो जाता है। ये जो जैव निम्नीकृत अपमार्जक होते हैं ये अशाखित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला वाले होते हैं, इसके कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से इनका अपघटन हो जाता है और सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन होने के कारण ये जल प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। अतः उपयोग की दृष्टि से जैव निम्नीकृत अपमार्जक बहुत बेहतर होते हैं। उदाहरण पर चर्चा कर लेते हैं, जैव निम्नीकृत अपमार्जक के उदाहरण उदाहरण जैसे सोडियम लाराइल सल्फेट, सोडियम लाराइल सल्फेट बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है अर्थात इसका सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है उपयोग के पश्चात और जल प्रदूषण भी नहीं फैलाता है। तो यहाँ पर सोडियम लाराइल सल्फेट जैव निम्नीकृत अपमार्जक का एक उदाहरण है। आइए अगला बिंदु हमारा जैव निम्नीकृत न होने वाले अपमार्जक, इनके बारे में जाने। तो दूसरा बिंदु हमारा जैव निम्नीकृत अपमार्जक, अजैव निम्नीकृत अपमार्जक मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, यहां पर देख सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। नाम से स्पष्ट है ऐसे अपमार्जक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन सरलता से नहीं होता है अजैव निम्नीकृत अपमार्जक कहलाते हैं। अजैव निम्नीकृत अपमार्जक जो होते हैं इनके हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला शाखित होती है और शाखित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन आसानी से नहीं होता है। ये जल प्रदूषण भी फैलाते हैं और लंबी अवधि तक रहकर जल प्रदूषण फैलाते हैं, अतः ये उपयोग की दृष्टि से उत्तम नहीं होते हैं। आइए अजैव निम्नीकृत अपमार्जक का उदाहरण जानें। उदाहरण जैसे सोडियम फोर 1,3,5,7 टेट्रा मिथाइल एसिटाइल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम 4, 1,3,5,7 टेट्रामिथाइल एसिटाइल बेंजीन सल्फोनेट
नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का उदाहरण है, अर्थात ये जो उदाहरण है इसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला शाखित होती है और शाखित श्रृंखला के कारण इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन आसानी से या सरलता से नहीं होता है, अतः लंबी अवधि तक जल में उपस्थित रहकर जल प्रदूषण फैलाते हैं, अतः ये नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट कहलाते हैं। तो आज हमने दो प्रकार के अपमार्जकों को जाना अपघटन के आधार पर। तो पहला प्रकार जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलता से अपघटन हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, एवं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन सरलता से नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट कहलाते हैं। और इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। धन्यवाद।